और अमूमन क्योंकि लोग सोचते हैं कि जैसे और बहुत सारे धर्म हैं वैसे ही बुद्ध धर्म भी है, तो इसलिए लोग पूछते भी नहीं है इसको। वो मान के चलते हैं कि दुनिया के जितने लगभग 4,500 धर्म के बारे में अब तक का हिस्ट्री है जो दुनिया में बताई जाती है, और वो ये मान के चलते हैं कि बुद्ध धर्म भी एक ऐसा ही धर्म है, मगर ये अलग है। बिल्कुल अलग इसलिए है क्योंकि ये कोई धर्म ऐसा संप्रदाय या कोई ग्रुप या कोई समूह या कोई खास रूल में बंधा हुआ इस तरह का कि इसको संप्रदाय में ढाला जा सके, ऐसा ये नहीं है। और इसकी सबसे बड़ी खास बात यह है कि इस पूरी की पूरी फिलॉसफी में, पूरे पूरे दर्शन में, पूरे पूरे दर्शन में जो बुद्ध ने 45 साल तक इसको डेवलप किया, इसको फ्लोरिश किया, इसको फैलाया, इसको लोगों को बताया, इसको लोगों को प्रैक्टिस कराई, सिखाया, इसको पढ़ाया, और उनके जाने के बाद में जो उनके सावक संघ था, जो उनके शिष्यों का संघ था, ग्रुप था, उन्होंने इसको मौखिक रूप से लिपिबद्ध किया, बाद में ये श्रीलंका में जाके लिखा गया। इसकी सबसे खास बात यह है कि इसके अंदर गॉड वाला, ईश्वर वाला एलिमेंट एक शब्द का भी कहीं नहीं है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि ये दुनिया के मनुष्य के लिए है, यानी कि अगर आप मनुष्य हैं, चाहे आप मेल हैं या फीमेल हैं, चाहे औरत हैं या आदमी हैं, वुमेन हैं या मैन हैं, तो ये आपके लिए है। आप बच्चे हैं, बूढ़े हैं, जवान हैं, तो भी आपके लिए है। और इसकी करुणा जो पशु होते हैं, जानवर होते हैं, एनिमल्स होते हैं, उन तक भी जाती है, उनके लिए भी ये काम करता है, प्रकृति के लिए भी काम करता है। इसलिए ये औरों के मुकाबले में इसका कंपैरिजन नहीं है, इसकी आप तुलना नहीं कर सकते किसी से भी। उनके जो बाकी दुनिया में जो धर्म है या रिलीजन है या मजहब है, वो अलग है। ये ना मजहब है, ना ये धर्म है, ना ये मजहब है, तो इसको हम संप्रदाय से नहीं जोड़ सकते। ये मनुष्य के लिए होता है, और बुद्ध ने कोई धर्म का संप्रदाय नहीं दिया। क्योंकि अगर कोई ये कहते हैं कि बुद्ध ने धर्म का संप्रदाय दिया या बौद्ध धर्म बनाया, तो पहला क्वेश्चन ये आता है, क्या भगवान गौतम बुद्ध या तथागत गौतम बुद्ध या सुगत गौतम बुद्ध बुद्ध धर्म के फॉलोअर थे या वो बुद्ध धर्मी थे? तो क्योंकि उन्होंने इस फिलॉसफी को दिया, तो इसलिए अगर बुद्ध धर्म लोगों ने उनके बाद इसको कहा, तो इसका मतलब भगवान बुद्ध बुद्ध धर्म से नहीं थे, क्योंकि उन्होंने तो डेवलप किया है, तो वो कुछ और रहे होंगे। इसलिए उन्होंने बताया है कि मैं मनुष्य हूं, मैं एक जागृत मनुष्य हूं, मैं अवेकंड हूं, मैं सारी स्थिति को, वस्तु स्थिति को, परिस्थिति को जानता हूं, मैं तीन जितने भी काल हैं, जो काल बीत गया, जो समय चला गया, यानी कि जो पास्ट है उसका, और जो चल रहा है वर्तमान है यानी कि प्रेजेंट, और जो आएगा यानी भविष्य वाला जो समय है, मैं तीनों समय को जानता हूं। इसलिए बुद्ध धर्म को बुद्ध धर्म के नाम से ना कह के आप बुद्ध फिलॉसफी के नाम से कह सकते हैं, मगर प्रचारित है, लोगों ने किया हुआ है, इसलिए बुद्ध फिलॉसफी या बुद्धिज्म करके इसको बोला जाता है।